हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा पॉइंट को डिस्कस कर ले। तो आज भी कैश मार्केट के अंदर FIIs नेट सेलर है, 3,000 करोड़ के आसपास इन्होंने कैश मार्केट के अंदर सेलिंग की है। और ये सारी सेलिंग जो है वो हैवी वेट में की गई है। आपको HDFC बैंक में सेलिंग देखने को मिलेगी, रिलायंस के अंदर देखने को मिलेगी, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, तो ये सारे हैवी वेट के अंदर ये सेलिंग की गई है। अगर हम बात करें DIIs की, तो इन्होंने लगभग 1,150 करोड़ के आसपास कैश मार्केट के अंदर बाइंग की है। बट ये जो बाइंग की गई है ये स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर बाइंग की गई है। तो अगर हम कैश का डेटा देखें तो प्राइमा फेसी ये हमें एक बेयरिश सेंटीमेंट यहाँ पे शो कर रहा है कि यहाँ पे नेगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है। अगर हम डेरिवेटिव का डेटा देखें तो आपको देखने को मिलेगा जो क्लाइंट है उन्होंने शॉर्ट कवरिंग की, लगभग 7500 के आसपास पोजीशन क्लोज की अपनी शॉर्ट की, प्लस 30,000 के आसपास लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। वहीं DIIs की बात करें तो इन्होंने भी 2,000 के आसपास यहाँ पे शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो शायद अपने पोजीशन को हैच कर रहे हैं। और ये जो पोजीशन आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूसली जो है ये रेड मार्क के अंदर है, तो ये काफ़ी मैसिव शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट DIIs कैरी कर रहे हैं। इट मीन्स कि इनको कहीं ना कहीं फियर फैक्टर इनके माइंड में है कि मार्केट में करेक्शन आ सकती है, तो ये अपने जो कैश की जो बाइंग की गई है उसको ये फ्यूचर को शॉर्ट करके हेज कर रहे हैं। अगर हम बात करें FIIs की, तो ये काफ़ी दिन से शांत बैठे हुए थे, आज इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाई है लगभग 14,000 के आसपास। अगर हम बात करें प्रॉप डेस्क की, तो प्रॉप डेस्क ने भी यहाँ 20,000 के आसपास शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं। तो टोटल अगर हम यहाँ देखें तो ऑलमोस्ट 28,000 के आसपास फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए, मार्केट रेड में क्लोज हुई, तो ये एक शॉर्ट बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है। ऑप्शन के अंदर कोई भी जो बड़ा प्लेयर है वो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा। इंट्राडे के अंदर सारी पोजीशन क्लोज कर दी गई, शॉर्ट की पोजीशन बन रही थी अर्ली मॉर्निंग से, और डे एंड पे वो सारी पोजीशन क्लोज कर दी गई। तो ऑप्शन का डेटा हमें एक न्यूट्रल सेंटीमेंट शो कर रहा है। तो ओवरऑल अगर हम डेटा पॉइंट का कंक्लूजन निकालें तो कैश का डेटा हमें एक नेगेटिव सेंटीमेंट शो कर रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे फ्यूचर के डेटा की, तो ये भी हमें एक नेगेटिव सेंटीमेंट शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई गई है और ऑप्शन के अंदर कोई एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिल रही है, तो ये एक न्यूट्रल सेंटीमेंट शो कर रहा है। तो मेजॉरिटी डेटा पॉइंट का जो व्यू है वो वीकनेस की तरफ है। अकॉर्डिंग टू डेटा पॉइंट्स मार्केट वीकनेस के साथ ट्रेड कर सकती है, बट हम कोई भी ट्रेड सिर्फ डेटा पॉइंट के बिहाफ पे नहीं लेते, हम प्राइस एक्शन को जरूर कंसीडर करते हैं। तो चलिए हम चार्ट पे चल के देखते हैं निफ्टी हमें क्या दिख रहा है और हमने कल क्या डिसाइड किया था। तो कल हमने निफ्टी में डिसाइड किया था कि हम निफ्टी में सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिला होगा। प्लस निफ्टी में मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे ये निफ्टी में जो यहाँ से यहाँ तक का जो मूव था, ये आपका वेव वन बना था, टू बना था, ये जो लॉन्गेस्ट वेव था ये आपका थर्ड वेव था, ये फोर्थ वेव था, और ये फिफ्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, जो कि 127% पे आके ये वेव कंप्लीट हुआ। तो मतलब यहाँ पे एक डिग्री कंप्लीट हो रहा है और यहाँ से हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकता है, करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो मैंने यहाँ पे वेव सेकंड का और वेव फोर्थ का जो है वो ट्रेंडलाइन ड्रॉ किया। तो हमें ये कॉन्फर्मेशन कब आएगा, तो जितने टाइम फ्रेम में ये जो अप मूव आया, अगर इसके हाफ टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन ये ब्रेक हो जाता है, इट मीन्स कि जो सेलिंग है वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई होने के चांसेस यहाँ पे बन जाएंगे। तो आप इसे काउंट कीजिएगा आप इसे काउंट कीजिएगा। अगर ये इसके हाफ टाइम फ्रेम पे अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है, तो ये जो करेक्शन है ये और फर्दर एक्सटेंड हो सकता है। तो अगर हम इसे 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ये जो फॉल यहाँ से आया, अगर हम इसकी काउंटिंग करें तो ये आपको दिखेगा ये वन, ये टू, यहाँ पे आके आपका ये वेव थर्ड बना, ये वेव फोर्थ बना, और ये वेव फिफ्थ बना। या अब देखना है कि ये फिफ्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट हो गया या फिर और ये नीचे आता है। तो अगर हम इस पांच मूव को काउंट करें तो हम इस करेक्शन को ए यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं, और क्योंकि ये पांच मूव के अंदर आ रहा है, इंपल्स के नेचर में आ रहा है, तो इसे हम ज़िगज़ैग करेक्शन काउंट करेंगे। जब हम इसे ज़िगज़ैग करेक्शन काउंट करेंगे, इट मीन्स कि जो बी का फॉर्मेशन होगा वो आपका लगभग 50% तक, मैक्सिमम 50% तक बी का फॉर्मेशन होना चाहिए, या तो 50% पे होगा, या 38 पे होगा, या 23 पे होगा। तो बेस्ट हमारे लिए ये होगा कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिबो यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। अगर मान लीजिए ये कल का लो अगर ब्रेक नहीं होता है, इट मीन्स अगर हम ये हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि यहाँ पे वेव फिफ्थ का फॉर्मेशन हो गया, मतलब यहाँ पे ए का फॉर्मेशन हो गया, हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं। बट अगर ये लो ब्रेक होता है, इट मीन्स कि ये फॉल और फर्दर हो जाएगा, तो हम इमीडिएट शॉर्ट कर देंगे यहाँ पे 25 से 30 रुपये का स्टॉप लॉस 1:2 के लिए प्लान करेंगे। और इनकेस अगर ये यहाँ से अप मूव आता है, तो आपको यहाँ पे एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, तो ये डबल बॉटम का फॉर्मेशन करके ये अप मूव कहाँ तक आ सकता है, तो ये अप मूव या तो 19,830 तक आ सकता है, या फिर 19,905 तक आ सकता है, या फिर फाइनली 19,966 तक आ सकता है। तो यहाँ अगर आता है, हम प्लान करेंगे कि हम यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, तो यहाँ हमें कोई प्राइस एक्शन दिखता है जो कि हमें कल परसों एक दो दिन के बाद ये लेवल देखने को मिलेगा शायद। तो अगर ये प्राइस एक्शन यहाँ पे हमें दिखता है, तो हम यहाँ पे इमीडिएट शॉर्ट का ट्रेड प्लान करेंगे। तो एलियट वेव का यही बेनिफिट होता है कि आप प्राइस को पहले से प्रोजेक्ट करते हैं, आपको पता होता है कि ये मार्केट कैसा मोमेंटम कर सकता है। अगर आपके एनालिसिस के
जैसा आपने एनालिसिस किया है वैसा प्राइस का मोमेंटम हो रहा है, इट मीन्स कि आपको यहाँ पे हम लॉन्ग का ट्रेड भी ले सकते हैं कम क्वांटिटी में, यहाँ आने के बाद हम स्टॉप लॉस को बाइंग कॉस्ट के ऊपर डाल लेंगे और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलेंगे। यहाँ आने के बाद अगर हमें कोई भी प्राइस एक्शन यहाँ पे दिखता है तो हम यहाँ पे अग्रेसिव शॉर्ट के अंदर आ जाएंगे। रीजन बिंग हम ये कन्फर्म हो जाएंगे कि ये जो आपका यहाँ से जो करेक्शन हो रहा है ये ए का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे बी का फॉर्मेशन होगा, देन आफ्टर हमें एक सी का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा जो कि इधर जो लो होगा ये कट के एक नया लो बनेगा। तो ये हमारा प्राइस प्रोजेक्शन होगा निफ्टी के अंदर। तो हम निफ्टी को सेल एंड राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना कि बाय ऑन डिप। तो मार्केट अब यहाँ से सेल ऑन राइज में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से जो ये कंप्लीट मूव था तो 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने पहले भी ये रीडिंग की हुई थी। तो हमने ये रीडिंग की थी कि यहाँ से जो आपका फॉर्मेशन हो रहा है ये हमने यहाँ पे किया हुआ था, ये आपका ए का फॉर्मेशन हुआ था यहाँ पे, और ये आपका बी का फॉर्मेशन हमने एंटिसिपेट किया था कि या तो ये 81% पे होगा या फिर 111% पे होगा। तो ये 100% के आसपास से बी का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ से सी का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो अगर ये सी का फॉर्मेशन होगा इट मीन्स कि जो सी का लेंथ होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द लेंथ ऑफ ए, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो फॉल आया एटलीस्ट इतना हमें यहाँ पे सी का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो मैंने ये हाई से प्रोजेक्ट किया तो इट मीन्स 40, ये हमारा बेयर मिनिमम टारगेट तो बैंक निफ्टी के अंदर होगा। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे भी आपका जो वेव सी का फॉर्मेशन चल रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि ये वेव सी का वेव वन बनाओ, वेव सी का वेव वन, क्योंकि यहाँ आपको पांच मूव देखने को मिलेगा, एक दो, यहाँ आपका तीन चार और पांच। तो यहाँ पे अगर ये वेव सी का वेव वन बना इट मीन्स कि यहाँ से वेव सेकंड का भी फॉर्मेशन होना चाहिए, देन आफ्टर वेव थर्ड बनेगा, फोर्थ बनेगा और फिफ्थ बनेगा, कुछ इस टाइप का प्राइस एक्शन आएगा। तो अगर ये कल स्विंग लो को ब्रेक करता है तो हम एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, 50 से 60 रुपये का स्टॉप लॉस 1:2 के लिए प्लान करेंगे। बट अगर ये पुल बैक आता है तो ये पुल बैक कहाँ तक आ सकता है, तो ये पुल बैक जो आएगा ये आपका लगभग 50% तक मैक्सिमम ये पुल बैक आने के चांसेस है। तो हम यहाँ स्विंग हाई से स्विंग लो का फीबो डाल लेंगे और हम देखेंगे। तो यहाँ आपको देखेगा कि ये 38% पे क्लस्टर बन रहा है, मतलब 45,288 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। यहाँ आने के बाद अगर हमें कोई भी एक प्राइस एक्शन दिखता है तो हम अग्रेसिव शॉर्ट करेंगे स्विंग के ऊपर का स्टॉप लॉस और हम इसे पोजिशनली इस ट्रेड को हम प्लान करेंगे फिर बड़े टारगेट के लिए। तो हम इंडेक्स के अंदर बाय ऑन डिप का नहीं बल्कि हम सेल ऑन राइज का जो स्ट्रैटेजी है इसको हम फॉलो करेंगे, क्योंकि अब यहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर हर राइज को बेचा जाएगा और अग्रेसिव बेचा जाएगा, जो कि हमें डेटा पॉइंट भी सजेस्ट करते हैं। मेक श्योर कि अगर आपका पोर्टफोलियो है तो गेट इन टच विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर और गेट योर पोर्टफोलियो रिव्यूड, क्योंकि यहाँ से जो कंडीशन है वो कुछ ज़्यादा खराब हो सकती है। तो ये मैं आपको अलर्ट पिछले 7, 8, 10 दिन से दे रहा हूँ। मैं ऊपर का 5% छोड़ने के लिए तैयार बैठा हूँ, मुझे ये 5% नहीं चाहिए, मुझे ये 5% अपने पोर्टफोलियो को एग्जिट करने के लिए चाहिए कि मैं अपना सारा माल यहाँ पे चिपका के निकल जाऊँगा। मैं यहाँ पे इससे नहीं खेलना चाहता, क्योंकि मुझे जो भी यहाँ पे गेम खेलना था वो मैं लोअर लेवल से ऑलरेडी मैं इसको खेल चुका हूँ। तो मुझे ऊपर में 1-2% 3% छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने वही किया। तो इसलिए मैंने आपको पिछले 7-8 वीडियो से मैं आपको कंटिन्यूसली वार्न कर रहा हूँ। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कोऑर्डिनेट कीजिए और अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए। चलिए अब हम स्टॉक स्पेसिफिक की बात कर लें। तो सिप्ला में एक अच्छा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला, आज न्यूज़ भी था इसके अंदर, बट ये प्राइस कंटिन्यूसली आप देखेंगे तो ये एग्जॉस्ट हो रहा था, ये कंटिन्यूसली हायर हायर के फॉर्मेशन में आ रहा था, बट पिछले 10-15-20 दिन से प्राइस एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, मतलब बायर कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जॉस्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो कल अगर मान लीजिए ये 1200 के नीचे निकल के ट्रेड करना स्टार्ट करता या फिर 1205 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता तो एक बार हम वापस से इसको शॉर्ट कर सकते। ऊपर में हम 7 से 8 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे, नीचे में 1:2 के लिए हम इसको प्लान करेंगे। आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखेगा एक डबल टॉप का, अगर ये इसका ब्रेकडाउन हो जाता है जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि इसके नीचे क्लोज किया, तो अगर ये कंटिन्यूएशन में आता है तो फिर हमें एक बहुत अच्छा नीचे में फॉल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ये गैप एंडिंग है, एक यहाँ पे गैप एंडिंग है, तो ये सारे गैप हमें फिल होता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें आईसीआईसीआई बैंक में अभी तक सेलिंग नहीं हो रही थी, बट अब यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक इस फॉल को लीड कर रहा है। प्लस अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से ये आपका 81% का रिट्रेसमेंट लेके नीचे को आ रहा है। 81% मीन्स क्या हुआ कि ये आपका वेव ए का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से आपको 3 मूव में वेब बी दिखेगा जो कि 81% पे हुआ, यहाँ से वेब सी हमें कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। तो जो वेब सी का लेंथ होगा जैसा कि हम हर बार डिस्कस करते हैं, तो वेब का सी का जो लेंथ होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू लेंथ ऑफ वेब ए। तो फिर हम यहाँ पे इसको कल के लिए शॉर्ट के लिए प्लान करेंगे। अगर मान लीजिए कि ये फ्लैट खुलता है, बहुत बड़ा गैप आउट खुल जाएगा तो हम अवॉइड कर देंगे, बट फ्लैट खुलने के बाद अगर इस लो को ब्रेक करता है तो हम एक बार वापस से शॉर्ट कर सकते हैं। ऊपर में 5 से 7 रुपये का स्टॉप लॉस 1:2 के लिए प्लान करेंगे। जाइडस लाइफ ये कंडीशनल सेल होगा, अगर ये गैप डाउन खुल जाए तो हम इस ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, हमने आज भी यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था। बट अगर ये फ्लैट खुलने के बाद 615 के नीचे निकलता है तो एक बार हम वापस से इसको शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखेगा नेगेटिव, तो एक अच्छा हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो 615 के नीचे इसको शॉर्ट करेंगे, 3 से 4 रुपये का स्टॉप लॉस 1:2 के लिए प्लान करेंगे।
सनटेक रियलिटी में एक अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो इसे हम लॉन्ग का ट्रेड यहाँ पे प्लान करेंगे। मैं इसको 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाना चाहूँगा। आज यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था बट 38% का रिट्रेसमेंट लेके यहाँ से सपोर्ट लेके अच्छा बाउंस किया और यहाँ पे आके प्राइस होल्ड कर रहा। अगर देखेंगे तो यहाँ तक एक हमें मोमेंटम देखने को मिला था, यह पुल बैक हुआ और प्राइस वापस यहाँ पे आके होल्ड कर रहा है। तो कल अगर मान लीजिए कि ये 435-436 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो एक बार वापस से हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इसे हम लॉन्ग करेंगे, नीचे में हम 3-4 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे, ऊपर में 1:2 के लिए प्लान करेंगे। आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप जरूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहां मैं आपको कंटिन्यूअसली कैश के स्टॉक्स वहां पे देता रहता हूं। तो सनटेक रियलिटी की बात करें तो ये स्टॉक हमने लगभग 350 रुपए के एवरेज प्राइस पे इधर कहीं पे बाई किया हुआ है और हम इसे पोजिशनली कैरी कर रहे हैं और आप ये प्रॉफिट देख सकते हो। तो ये सारे ट्रेड आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।